वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अदवंशी आपके सामने एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं अपवर्त्य एवं गुणनखंड। देखिए, अपवर्त्य क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। अपवर्त्य का सटीक कोई इंग्लिश तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी एक इंग्लिश है इसकी, जिसे अवरेशी बोलते हैं, और गुणनखंड को फैक्टोरिजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश होती है। अब हम बात करते हैं अपवर्त्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। दोनों से आप परिचित हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं, है ना, यानी आप पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं जिसे बोलते हैं। तो आज हम आपको जानने का भी सिस्टम बताएंगे, पहचान तो आप पहले से रहे। अपवर्त्य अक्सर उस संख्या को कहा जाता है, या फिर ऐसा बोलें अपवर्त्य वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई बोले कि आप 6 के अपवर्त्य लिखिए, तो 6 के अपवर्त्य वो संख्याएं होंगी जो 6 से कट जाएंगी भाग देने पर पूरी तरह से, मतलब जीरो से शेष आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 6 के अपवर्त्य 6 तो होगा ही, क्योंकि एक एक निश्चित फैक्ट है कि कोई भी संख्या खुद का अपवर्त्य होती है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो वो खुद का अपवर्त्य होती है। ठीक, तो 6 के अपवर्त्य में पहला नंबर तो 6 होगा, दूसरा नंबर 12, 24, 36, 18, 24, यानी जो भी 6 से कट जाए वो सभी 6 के अपवर्त्य है। जरूरी नहीं कि 6 दहम्मा 60 हो जाता है तो फिर इसके बाद कोई इसका अपवर्त्य नहीं आता है। आता है, 72 भी 6 का अपवर्त्य होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 6 का गुणा जब आप 12 बार करेंगे तो 12 छंग 72 आएगा। समझ गए, मतलब वो संख्या अपवर्त्य होती है जो उस संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। अपवर्त्य ऐसे नहीं होता है, किसी संख्या का अपवर्त्य होता है। जैसे नाम, अगर आपने कहा रमन, तो रमन किसी लड़के का नाम है। कोई ना हो रमन, ये रमन है, कोई दिख ही नहीं रहा, ये रमन है, कहाँ है रमन, नहीं दिख रहा ना। तो वैसे अपवर्त्य खुद में कुछ नहीं होता है, किसी संख्या का अपवर्त्य होता है। समझ गए ना, जैसे कहा जाए कि 6 का अपवर्त्य 12 है, 6 का अपवर्त्य 24 है, 6 का अपवर्त्य 36 है, 18 है, तो ये सभी क्या है, अपवर्त्य है। समझ गए ना, इसको आप इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट समझ लीजिए और फिर बताइएगा। जैसे एक इसकी जो मैंने अभी आपको बताया ऐतिहासिक इसकी बात होती है, ये इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य होती है। मतलब अगर कहा जाए 19, तो सबसे पहला अपवर्त्य 19 का 19 ही होगा। 7, 7 का अपवर्त्य 7 ही होगा सबसे पहला। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए लाइट थोड़ा सा चली गई है, तो रुकिएगा आधा सेकेंड। इसके बारे में और एक निश्चित फैक्ट होता है, वो ये होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य आप उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 9 का अपवर्त्य ज्ञात कीजिए, तो आप 9 में कोई भी पूर्ण संख्या से गुणा ले लीजिए, कर लीजिए। जैसे 9 में हमने 20 से गुणा कर दिया, तो 9 दूना 180 हो गया। 180 जो है ये 9 का अपवर्त्य है। क्यों? क्योंकि 20 बार गुणा करने पे 180 आता है ना, बाकी अगर 2-4 बार करने पे आता तो आप सभी लोग कर लेते, कहते तो पहाड़ा में आ रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा लिया है जो कि पहाड़ा में नहीं आ रहा है। समझ गए ना, तो ये अपवर्त्य के फीचर होते हैं। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए स्क्रीन पर टच करके और लिख लीजिए फटाफट इसको, बहुत जल्दी करें, तुरंत हो गया, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आगे से इसीलिए हट जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अपवर्त्य के कुछ सवाल करेंगे, आप लोग फटाफट बताएंगे, फिर हम गुणनखंड पे चलेंगे कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जीरो लेवल मैथ आप देख रहे हैं पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन लाइव क्लास में। जीरो लेवल मैथ मतलब पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं। जी हाँ, ये टाइटल होता है आपकी क्लास का। चलिए जल्दी से बताइए, 7 का अपवर्त्य है, 7 के अपवर्त्य हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 19, 12, 14, 15, बी वाला 21, 35, 42, 56, सी 21, 14, 33
39 डी नंबर नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से सात के अपौर्थ कौन कौन है। सवाल नंबर दूसरा, फटाफट कमेंट करें, कोई भी देखेगा नहीं बैठकर, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दो के अपवर्त नहीं है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा, दो के अपवर्त कौन कौन नहीं है। पहला ऑप्शन 2, 9, 7, 4, बी 8, 18, 100, 1050 और 1042, सी 92, 18, 180, 78। जल्दी से बताइए ए बी सी में कौन सा सही है। फटाफट कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही उन्हीं जय जयकार नहीं होती। जी हाँ, ट्राई करते रहें, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर आप हर दिन क्लास करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और ज्वाइन करें आपकी PVR स्टडी की स्पेशल जीरो लेवल क्लास। जीरो लेवल क्लास में आप पढ़ते हैं कक्षा 8 तक की गणित एक बहुत ही आसान वे में। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है तो मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ, देखिए इस नंबर पर ज्वाइन लिख कर भेजें। सात के अपौर्थ कौन कौन से हैं इनमें से, देखिए ये सात का अपौर्थ नहीं है, ये है नहीं, ये है बट ये नहीं है, यानी इनमें से एक है अपौर्थ बाकी नहीं है, इसलिए कह रहा सात के अपौर्थ हैं, मतलब सभी होने चाहिए इनमें से, ये ऑप्शन गलत है। देखिए 7 × 21, ये 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, इसका मतलब सभी हैं। इसमें ये है बट ये नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि बी वाला सही है ऑप्शन, जिसमें सभी अपवर्त हैं सात के, मतलब वो सभी सात से कट जाएंगे। आगे चलें, देखिए गौर करिएगा अगला सवाल क्या है आपके सामने। कह रहा कि दो के अपवर्त नहीं है, दो के अपवर्त कौन कौन नहीं है। पहला है 2, 9, 7, 4 अपवर्त, मतलब इनमें सब में अगर हम दो से भाग करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा, नहीं सब में तो नहीं आएगा, दो में आ जाएगा, नौ में नहीं आएगा, सात में नहीं आएगा, चार में आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, दो के अपवर्त नहीं है। दूसरा देखिए, दो से भाग करेंगे 8 कट जाएगा कम्प्लीटली, 18 भी कट जाएगा, 1050 भी कट जाएगा, 1042 भी कट जाएगा दो से, इसका मतलब ये सभी क्या है, दो के अपवर्त हैं। 92, 18, 180 और 78, ये सभी दो से कट जाएंगे, जीरो से शेषफल आ जाएगा, यानी कि ये सभी अपवर्त हैं दो के, समझ गए ना। कोई कन्फ्यूजन है, निसंकोच आप लोग कमेंट करके बताइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। तो कुछ करेंगे ना बाबू, तभी तो कुछ होगा ना, है ना। और तो वो पुरानी लाइनें आप सुनते ही है ना, जो मैं बोलता हूँ आपसे कि तेरे गिरने में हार नहीं, क्योंकि तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत असीमित है, इसका कोई सार नहीं। 12 के अपवर्त हैं कौन कौन है, 18, 32, 36, 12, 144, 72, 89, 34, 18, 48, 32, 24। जल्दी से बताओ इसमें कौन है सभी 12 के अपवर्त, मतलब कि भाग देने पर सभी में शेषफल जीरो आना चाहिए तीनों नंबर में, चाहे जो हो तीनों में अगर 12 से भाग करें तो जीरो शेषफल आना चाहिए, ट्राई करिए। अगला सवाल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल बाबू, जल्दी से ध्यान दीजिए। इसमें कौन होगा अपवर्त नहीं है, अपवर्त नहीं है मतलब 9 के अपवर्त नहीं है। पहला ऑप्शन है 17, 29, 18, 28, दूसरा ऑप्शन है 32, 48, इसको 36 कर लीजिए, ये 45 और 9, 8, 72, 720 और 9, 5, 45, जी हाँ दो बार, और ये है 9, 9, 30। इसमें से 12, 9 के अपवर्त कौन कौन नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन नहीं है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट बताएं।
जीरो लेवल गणित में आपने देख रहे हैं अपवर्त, जी हाँ अपवर्त देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू ये अपवर्त सभी के लिए, चाहे तो आप डीएलएड में हैं, डीएलएड के आपके सिलेबस में है ये द्वितीय सेकंड सेमेस्टर में, और आपके बहुत से परीक्षाओं में भी आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर हो गए इनके। देखिए अगर सिंपल सी बात करें, हम 12 से भाग देंगे 18 में तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, 32 भी नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 12 से, जी बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 12 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 12 चौक 48 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अपवर्त है मतलब सभी होने चाहिए, तो सभी तो बी में सही है, इसका मतलब राइट आंसर बी लगा लीजिए फटाफट। 9 के अपवर्त नहीं है, कौन कौन नहीं है, 17, 29, 28, 9 के अपवर्त ये कोई नहीं इनमें से, है ना, है कोई, क्योंकि 18 है 9 का अपवर्त, लेकिन पूरा सभी तो नहीं है ना, इसलिए गलत है। इसमें देखिए है सभी, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, और 9 का अगर आप 80 में गुणा करेंगे 720 और 9 पचे 45, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग देते हैं आप लोग को होमवर्क, जल्दी से वीडियो को रोक लें और नोट कर लीजिए। याद रखें प्रत्येक रात्रि शाम 7 बजे से जीरो लेवल मैथ होती है। जीरो लेवल मैथ का उद्देश्य होता है कि भारत में कोई भी ऐसा बंदा ना बचे जिसको मैथ ना आए, मतलब कि स्टूडेंट, ठीक है ना। आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैथ सीखना आपके लिए इजी हो जाए, जी हाँ, इसलिए मैथ आसान है चैनल की शुरुआत की गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, या फिर आप खोज सकते हैं यूट्यूब पर मैथ आसान है, और उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। 9, 18, 32, 6, 5 के 5 5 अपवर्त बताओ, इसको आप लोग बता करके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो। दूसरा सवाल देखिए, 2 5 9 3 के 3 3 अपवर्त बताओ, ये सभी आपके लिए होमवर्क है, इनको आप अवश्य हल करेंगे। 18 32 48 7 के 2 2 अपवर्त बताओ, अपवर्त मतलब किसी भी संख्या का होता है पहाड़ा। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आपको पहाड़ा की ट्रिक बताई जाएगी, जिससे कि आपको पहाड़ा आ जाए, और पहाड़ा आने के बाद आप अपवर्त और गुणनखंड सीख जाएंगे। जी हाँ, इस नंबर पर 9793484848 पर आप JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें, जिससे कि आपको हर दिन की क्लास मिल सके, क्योंकि पर डे लाइव क्लास होती है, 8 से 10 क्लासें होती हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप UPTET की कर रहे हैं, रेलवे की NTPC की तैयारी में है, ग्रुप डी में है, UPSI में है, UPPCS, MPPCS, या फिर IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ नहीं आती है, तो मैथ का दर्द आपको अब नहीं सताने वाला है, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और फटाफट देखते रहें, एक अच्छी क्वालिटी एक बेटर क्वालिटी, ये बिल्कुल फ्री की क्लास आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी कंप्लीट कोर्स और सभी कंप्लीट क्लास मिलती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपने ये होमवर्क लिख लिया होगा। चलते चलते हम आपको जो बता रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पर PVR स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप ये क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं और किस चैनल पर देख रहे हैं, इनमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने इस क्लास को किस चैनल पर देखा, PVR स्टडी पर देखा, या फिर आपने देखा मैथ आसान है, जी हाँ मैथ आसान है, या PVR स्टडी, इनमें से आपने किसी एक चैनल पर इस क्लास को देखा होगा तो इसमें से दूसरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर मैथ आसान है पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लें और इसको भी कर लें। अगर आप PVR स्टडी पर देख रहे हैं तो मैथ आसान है को सब्सक्राइब कर लें और इसको दोनों को कर लें, जिससे कि आपकी कुछ क्लास इस चैनल पर होती हैं, कुछ इस पर होती हैं। बाकी अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो अवश्य आप पढ़ सकते हैं। कृपया फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, फेसबुक पर सर्च करें PVR स्टडी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से कनेक्ट करें और इसको क्या करें, अवश्य फॉलो कर लें। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से आपके सामने आऊँगा एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। जय हिंद। कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं।